यदि प्रियतम तुम सुखी हो तो और क्या चाहिए, उसके सुख में ही हमारा सुख है। वो हमारे साथ नहीं रहना चाहते, वो अपनी इच्छा से जा रहे हैं। गोपियों ने रास्ता छोड़ दिया, भगवान आरूढ़ हुए रथ के ऊपर और चले गए। गोपियां तब तक देखती रही महाराज जब तक भगवान का ये रथ आंखों से ओझल नहीं हुआ। अक्रूर जी के मन में देखो भ्रम पैदा हो गया, इन गोपियों की दशा देख करके विकल हो गई कि अरे ये तो परमात्मा है, संदेह कर बैठे कि परमात्मा क्या गोपियों के प्रेम में इतना विकल है। तब जाकर के इनकी शंका का भी निवारण किया। रथ मथुरा पहुंचा आदरणीय श्रोता गणों, अक्रूर जी ने प्रार्थना की भगवान से कि चलो भगवान मेरे घर में पधारो, मेरी गृहा को अपने चरण कमलों से शुद्ध करो। भगवान बोले कि हे चाचा जी, हम जरूर आपके गृहा में आएंगे, लेकिन उससे पहले मामा जी से मिलने दो, पहले हम नगर घूमना चाहते हैं, मथुरा को देखना चाहते हैं। और भगवान मथुरा में निकल गए महाराज। नगर नगर में जिस गली में भगवान घूम रहे हैं, सभी जन और नारियां, नर और नारियां उनके दर्शन को करने के लिए उत्सुक हो रही हैं। स्त्रियां अपनी अटालिकाओं के ऊपर खड़े होकर के भगवान को निहार रही हैं, उनके ऊपर पुष्प वर्षा कर रही हैं। भगवान के साथ उनके साथी चले हुए हैं साथ में। बोले कि अरे काना, तेरा तो बड़ा दिव्य स्वागत हो रहा है भाई। कृष्ण बोले कि अरे यहाँ का राजा कंस मेरा सगा मामा है, इसलिए हम आए हैं तो भांजे का स्वागत हो रहा है। अच्छा।